आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी टमाटर की मीठी चटनी की रेसिपी, जिसे आप रोटी, चावल, पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, जिससे आपके खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो टमाटर लिया है। इस चटनी को बनाने के लिए हमें एकदम लाल पके हुए टमाटर लेने हैं। अब हम इस टमाटर का प्यूरी तैयार कर लेंगे। टमाटर को कट करने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में डालकर मैंने इसका प्यूरी बना लिया है। अब हम कोई भी एक कढ़ाई या पैन लेंगे और इसमें 3 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल आप कोई भी ले सकते हैं जो आप अपने हर दिन के खाने में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच 5 फोरन, 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर लेंगे। अगर आपके पास सौंठ का पाउडर नहीं है तो आप इसके बदले अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। सारी चीज़ों को लो फ्लेम पे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें तैयार किया हुआ टमाटर का प्यूरी ऐड कर देंगे और आधे छोटे चम्मच नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई पे रखेंगे और हाई फ्लेम पे टमाटर को ढक कर 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। चटनी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम अमावट लिया है और इसे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 8 से 10 काजू लिया है और काजू को भी मैंने बीच से कट कर लिया है और 15 से 20 किशमिश लिया है। इधर टमाटर को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है। अब हम पैन का ढक्कन हटाकर टमाटर को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर का जो पानी था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम टमाटर को लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि टमाटर का जितना भी पानी है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। अभी आप देख सकते हैं टमाटर का पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसमें 1/2 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर इस चटनी में चीनी थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। और इसी के साथ हम इसमें अमावट, काजू और किशमिश ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से और चटनी को अब हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अब चीनी जो है मेल्ट होके चटनी में अच्छी तरह से घुल चुकी है और चटनी हमारा बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसमें 2 चम्मच वाइट विनेगर ऐड करेंगे। और आप यहाँ पे विनेगर के बदले नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं और विनेगर को चटनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। विनेगर जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जिससे चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आप इस चटनी को बिना फ्रिज के महीना भर के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं। चटनी जो है बिल्कुल तैयार है और आप इस टमाटर की चटनी को घर पर ज़रूर बनाएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करें। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।